एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सुरक्षा में बड़ी चूक से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां दो तेज रफ्तार कारें हाई कोर्ट के गेट के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। वहीं गाड़ियों को अंदर घुसते देख सुरक्षा कर्मियों ने दौड़ लगाई और उन्हें दबोच लिया। वहीं एक कार में युवक युवती सवार थे तो दूसरी में कुछ अन्य लोग। वहीं सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस हाईकोर्ट पहुंची और कार सवार सभी को थाने ले गई, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। इसमें क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में आज लगभग 12:15 बजे जो सुरक्षा कर्मी लगे रहते, सुरक्षा अधिकारी गेट पर लगे रहते, उनकी बिना अनुमति के दो कार परिसर में पहुंच गई थी। और सुरक्षा कर्मी जब पहुंचे तो उसमें पाया कि दो पक्ष थे और कोई पक्षकार माननीय न्यायालय में जाना चाहते थे और उसका उल्लंघन करके अंदर पहुंचे और वो आपस में विवाद करने लगे, तो पुलिस अधिकारियों ने आके रिपोर्ट की है कि बिना उसके और पुलिस अधिकारियों के आदेश के माननीय परिसर में, हाई सिक्योरिटी परिसर में पहुंच गए थे और उसको लेके आके रिपोर्ट करने आए सुरक्षा अधिकारी।